नहीं पहले कहाँ बना था, पहले तो बहुत ही बड़ा स्टेशन था, चढ़ने उड़ने के लिए बहुत परेशानी हो रही थी। कितने सालों से ऐसा था? ऐसा तो बहुत दिन हो गया करीब, जब से मतलब आप लोग भी थे तब से। हाँ अभी तो 45 साल 50 साल हो गया, जो 45-50 साल से 50 साल का हो गए चाचा जी, फिर भी ये स्टेशन का ग्रोथ नहीं हुआ था। हेलो भाई, सभी को गुड इवनिंग। और आप थंबनेल और टाइटल से वैसे भी पता कर लिए हैं कि मैं किस लोकेशन पे हूँ और किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। जी हाँ, अभी हूँ दल छपरा रेलवे हाल्ट स्टेशन, जिसको बोला जाता था हाल्ट स्टेशन बोला जाता था। और अभी के डेट में इस स्टेशन का कार्य प्रगति पर है, कह सकते हैं कि मतलब चालू है और खूब मतलब अच्छा से चल रहा है। डेली का डेली मतलब लगातार महीनों दो महीनों से देख रहा हूँ कि चल रहा है, क्योंकि ये 20 साल 50 साल हो गया जब से मेरा मतलब 18 साल 3 महीने मेरा एज हो गया। और इतने सालों में मैं देखा हूँ कि यहाँ का जो प्लेटफार्म था ना, उसका लोकेशन अभी आप देख सकते हैं कि ऊपर जिस पे मैं चल रहा हूँ, इसका बहुत ही बेहतरीन लुक हो चुका है ना। लेकिन अभी से तकरीबन 20 साल पहले तक देखा जाए तो पहले के लोग तो बोलते हैं कि मतलब बना ही नहीं अभी तक, यहाँ पे कुछ भी मतलब ग्रोथ नहीं था इस लोकेशन का, बोल सकते हैं प्लेटफार्म का। लेकिन अभी के डेट में सब कुछ बदल रहा है, और उसी को दिखाने के लिए आपका भाई आ गया इस वीडियो में। और काफ़ी भाई का कमेंट भी आ रहा था कि अपने स्टेशन का कब बनाओगे, जो दल छपरा रेलवे हाल्ट स्टेशन है उसका कब वीडियो आएगा, बहुत सारे भाई का कमेंट आ रहा था। तो मैं सोच रहा था कि यार कब बनाऊँ, मतलब दूसरे जगह का सोचता था ना कि मतलब पहले दूसरे जगह का बना दूँ फिर अपने स्टेशन का बनाऊँगा कभी, ठीक है, तो नहीं बना पा रहा था। तो सोचा कि चलिए आज खाली हूँ और कहीं निकल भी नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए सोचा कि चलिए बना देते हैं यहाँ का। और यहाँ का एक बुरी बात देख रहे हैं, यहाँ के लोगों की एक बुरी बात है, बहुत ही बुरी बात है, आपको दिखाएंगे। देखिए जहाँ पे मानते हैं कभी उस बोर्ड पे नहीं लिखा हुआ है दल छपरा रेलवे स्टेशन, ठीक है, दल छपरा रेलवे स्टेशन मतलब उस पे कुछ भी लोगो उस पे नहीं है दल छपरा का। लेकिन वहाँ पे जो छोटा सा दिख रहा है आपको दिखाएंगे पास से चल के, चलिए तो देखिए यहीं पे मतलब घूमते हुए हमारे ही ग्राम सभा के हैं एक चाचा जी हमारे, और उन्हीं से मुलाकात हुई। तो चाचा जी बताइए कि वो सब फट गया है क्या? अच्छा बात है, ये सब फाड़ दिए हैं लड़के, तो ये सब बुरा बात है। ये जो पोस्टर लगा है, दूसरों को भी जानकारी होना चाहिए कि ये जो दल छपरा लिखा है, दल छपरा गांव है कि कौन सा गांव है, कैसे पता लगेगा? हाँ बताइए, कोई अगर दूसरे जगह से आएगा तो देखेगा तभी तो पता करेगा कि दल छपरा रेलवे स्टेशन है ये। तो आप यहीं से हैं? हाँ हाँ, हम श्रीनगर, हमारा रामायण वर्मा नाम है, रामायण वर्मा जी हैं। लेकिन बताइए अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं, ये दल छपरा लिखा हुआ पोस्टर जो फाड़ दिया है अच्छा नहीं लग रहा है। दूसरा भी आदमी आएगा तो कैसे पहचान में आएगा कि कौन सा स्टेशन है ये, कौन सा जगह है? ऐसे तो लगेगा कि हाँ ये दल छपरा, पूछेगा कि हाँ भाई कौन सा जगह है, तो दल छपरा है, दल छपरा कहीं लिखा हुआ भी नहीं मिलेगा कि दल छपरा स्टेशन है कि कौन सा स्टेशन है, ठीक है। फर्स्ट टाइम में मतलब कितने साल के बाद ये स्टेशन बन रहा है? ये नहीं पहले कहाँ बना था, पहले तो बहुत ही बड़ा स्टेशन था, चढ़ने उड़ने के लिए बहुत परेशानी हो रही थी। मतलब कितने सालों से ऐसा तो बहुत दिन हो गया है करीब, ये जब से मतलब आप लोग भी थे तब से। हाँ अभी तो 45 साल 50 साल हो गया, जो 45-50 साल से 50 साल का हो गए चाचा जी, फिर भी ये स्टेशन का ग्रोथ नहीं हुआ था, फर्स्ट टाइम ऐसा प्रोग्रेस हो रहा है स्टेशन का। तो देखिए उधर से दिखाने के बाद हम आए हैं, तो देखिए इधर का एक छतरी जो है, देखिए ये वाला सही है, और भी आगे एक छतरी लगा है मतलब बोर्ड, उसको भी मतलब सही है, वो भी एक वहाँ पे लगा है, मतलब 3-4 में से 2 को ही मतलब फाड़ा गया है, फाट गया है बुरी तरह से, उस पर पत्थर उत्थर मार करके फाड़ दिया गया है। और यहाँ पे देखेंगे तो एक मतलब, चलिए उधर से दिखाते हैं, तो देखिए यहाँ पे देखेंगे तो एक छतरी लगी हुई है, छतरी की संख्या हम बताते हैं यहाँ पे अभी कितना, बैठने के लिए अभी चूँकि सुविधा नहीं है, और अभी नहीं है इसलिए क्योंकि अभी कोई मतलब कार्य प्रगति पर है इसीलिए नहीं है बैठने की सुविधा। तो एक यहाँ पे है, 1 2 3 4 मतलब छतरी टाइप की लगी है जहाँ पे कि लोग बैठ करके रेस्ट वेस्ट कर सकते हैं। और पहला जो बोर्ड था दल छपरा लिखा हुआ था वो शायद यहीं था, दल छपरा जो लिखा था वो यहीं पे था, और देखिए यहीं पे एक उधर है। और चलिए अब टिकट काउंटर पे चलते हैं, टिकट काउंटर को भी हम दिखाएंगे आपको कुछ वीडियो में आगे। मतलब जहाँ पे भी दल छपरा लिखा है ना भाई, वहाँ का मतलब कुछ लड़के वहाँ पे या तो खरोच कर दिए हैं या तो तोड़ फाड़ कर दिए हैं, मतलब बेकार कर दिए हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था लेकिन फिर भी लोग कर दिए हैं। देखिए यहाँ पे अब 2 ही ट्रेन जाती है सुबह में, इसलिए देखिए अभी टिकट काउंटर चुकी है कि बंद है, ठीक है, टिकट काउंटर इसलिए बंद है क्योंकि 2 ट्रेन जाती है और दोनों ट्रेन निकल चुकी है, जो कि एक 8:35 पर टाइम है जो कि छपरा और रिहार तक जाती है छपरा से, और एक है मतलब
इधर से आती है, बलिया के तरफ से आती है, तो यही है टिकट काउंटर अपना, देख लीजिए। और यहाँ पे एक नल भी लगा है, सरकारी नल, देख रहे हैं पानी उन्हें दे रहा है कि नहीं, अभी पानी है, पानी है, सही है, चलो। और काम अच्छा हुआ है भाई, देखिए यहाँ पे वायर भी अभी है, जो कि ये बोर्ड जो ये सब लगा है ना, देखिए ये सब जो लगा है वायर खंभे के लिए, तो इसमें अभी लाइट वाइट अभी नहीं लगा है, चूँकि अभी काम चल रहा है इसलिए, तो लगेगा तो उस पर ये वायर का काम पूरा हो जाएगा। और ये है टिकट काउंटर, और देखिए ये सीट पुराना वाला है, जो कि पहले था सीट वही है, अब इसका काम कुछ नहीं है, तो ये कहीं पर उठा कर फेंक दिया जाएगा और नया नया सीट जो है कि इधर सब लग जाएगा, ठीक है। और ये है टिकट काउंटर, जो कि अभी कहीं पे लोगो इसका भी नहीं लिखा है कि टिकट काउंटर है या नहीं, लेकिन वैसे भी देखकर तो समझ में आ रहा है, आगे चल के शायद लिखा जाए। और ये देखिए, ये अभी मतलब जस्ट कितना दिन हुआ, 2-3 दिन हुआ इसका ढलाई हुए हुए, और काफ़ी अच्छा। इधर रास्ता पहले बहुत बुरा था, ठीक है, देख लीजिए आप। और अभी डायरेक्ट स्टेशन तक रास्ता निकल रहा है, इधर से आइए और इधर से लोग उतर के अच्छे से जा सकते हैं, ठीक है। हाय बाबू, वीडियो में हाय करो, हाय, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए तो ये रोड अभी मतलब प्लस्तर पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अच्छा है, जो भी अच्छा है। और डायरेक्ट जो रोड है ना रेवती वाला, वहाँ तक डायरेक्ट गया है, तो अभी इसका भी काम रुका है, शायद ठंडी की वजह से रुका है कि किस वजह से, ये मुझे पता नहीं है। लेकिन चलिए, यहाँ पे ढलाई वलाई के लिए गिट्टी उट्टी भी है, और इधर जो काम करने वाली मशीन आती है ना, वो इधर ही रुकती है। देखिए इधर मशीन वशीन मतलब जो भी काम होता है, तो गिट्टी बालू वाली मशीन जो भी होती है इधर ही रुकती है, और इधर से फिर से काम शुरू होता है। और देखिए यहाँ से दिखा रहे हैं आपको, यही है दल छपरा रेलवे स्टेशन के साइड में जो चट्टी दिख रहा है आपको, यही इस साइड है चट्टी, देखिए ये जो छोटी मोटी दुकानें दिख रही हैं। शाम के टाइम में आपको कभी चट्टी का वीडियो पूरा बनाकर डाल दूंगा, वो शायद 26 जनवरी को मैं बनाऊंगा, क्योंकि कुछ लोग बता रहे थे कि 26 जनवरी को वीडियो बनाना यहाँ का, तो चलिए वहीं का वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा। अभी फिलहाल मैं आपको दिखाना था कि मतलब दल छपरा रेलवे स्टेशन का मतलब कितना कार्य हुआ है। चलिए भाई, आज का वीडियो यहीं तक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर पुराने हैं तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। मिलेंगे इससे भी बेहतरीन वीडियो और अपडेट के साथ न्यू वीडियो में, मतलब रोज़ एक नए टॉपिक, मतलब अभी टॉपिक नहीं मिल रहा है भाई, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा ठंड पड़ रहा है ना हमारे गांव में कि कहीं पे निकल नहीं पा रहा हूँ, और निकलता तो मतलब वीडियो आपको अच्छे से दे पाता, लेकिन निकल नहीं रहा हूँ, ज़्यादातर गांव पे ही रहता हूँ अधिकांश, तो सोचा कि चलिए आज अपने प्लेटफार्म का वीडियो बन जाए। दल छपरा रेलवे स्टेशन है, जहाँ से कि यात्रियों को यार चढ़ने में काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता था यहाँ पर, अब चूँकि ये बन गया है तो देखिए कितना आराम है, कि मतलब यहाँ से डायरेक्ट पैर ऐसे रख सकते हैं, देखिए ऐसे रख सकते हैं ना, यहाँ तक ट्रेन जाएगी तो ऐसे रख सकते हैं। लेकिन पहले का डेट का ये था कि मतलब पूरा नीचे था, और लोग चढ़ने में गिर भी जाते थे वहाँ से, तो गिर जाते थे बहुत लोग, और यहाँ पे दूर दूर से मजदूर आते थे काम करने के लिए, और वो लोग मतलब बोझा वोझा लेकर के चढ़ते थे, तो चढ़ते टाइम बहुत लोग गिर जाते थे उनका मतलब। अभी 10 दिन पहले की बात है कि एक औरत हमारे गाँव से कुछ दूरी के 2 किलोमीटर दूर की है, वो बेचारी गिर गई थी ट्रेन से चढ़ते टाइम, मेले का टाइम था उस टाइम, और वो गिर गई थी, लेकिन उसको मतलब पहुंचाया गया डॉक्टरी में, मतलब इलाज उलाज हुआ, फिर जाके सही हुआ, तो अभी जाके सुधर गया है और सही है अपना रेलवे स्टेशन। चलिए बाय बाय।